दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसे मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है और आपके पौधे में रिजल्ट 2 दिन में देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। प्रोसेस कैसे करना है, कैसे हम लोगों को अपने पेड़ पौधे में डालना है, रिजल्ट के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सी पौधों में इसका मैं यूज की थी। सारा कुछ मैं आज आप लोगों के पौधे के रिलेटेड बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे बैठे बिना खर्च के आप पौधे को बहुत सुंदर बना सकते हो और उसमें हजारों फूल ले सकते हो। बहुत बेहतरीन चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं, कैसे हम लोगों को प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए सिंपली आप लोगों को लेना है दोस्तों चना। चना तो सभी खाते हैं, चना में इतनी कैल्शियम होती है कि आपके बॉडी को तंदुरुस्त रखता है। लेकिन आज के वीडियो बॉडी के रिलेटेड थोड़ी है, आज के वीडियो पौधे के रिलेटेड। तो जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन प्रोवाइड करता है हमारे ये चना, वैसे सेम एज इट इज हमारे पौधे में प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सभी कुछ होता है, सभी गुण होता है हमारा इस चना में, जो कि एकदम पौधे को तंदुरुस्त रखता है। तो इसका बेनिफिट तो मैं आप लोगों को बता दें कि पौधे के लिए कितना अच्छा होता है, रामबन होता है हमारा चना। अब कैसे हम लोगों को इसे अपने पेड़ पौधों में डालना है, अब मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। तो डालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लेना है दोस्तों वाटर, सादा पानी। और सादा पानी आप लोगों को कितना लेना है, आप लोगों को लेना है 1 लीटर। तो ये हमारा 1 लीटर होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर 50 ग्राम ले रही हूँ अपना चना, तो मैं इसमें डाल दूँ जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को इसे अच्छी तरह से आप लोगों को मिलाना है पानी में कुछ इस टाइप से, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर मिला दी हूँ। उसके बाद आप लोगों को चने को अच्छी तरह से फूलने के लिए दे देना है 1 दिन तक। और अभी तो ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसको कम से कम 3 दिन तक फूलने के लिए दूंगी। अगर गर्मी का टाइम होगा तो आप लोग 1 दिन तक फूलने के लिए देना, यानी कि 1 दिन तक आप लोगों को फर्मेंट होने के लिए देना है। अगर ठंड का टाइम है तो आप लोगों को 3 दिन तक आप लोगों को फर्मेंट होने के लिए देना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से 3 दिन के बाद। तो मैं यहाँ पर दोस्तों छान कर रखी थी, छानने के बाद कुछ इस टाइप का लगता है। जब हम लोगों को 3 दिन या फिर 1 दिन हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को भी छान लेना। जब आप छानोगे तो हमारा जो लिक्विड का रंग होता है कुछ येलोइश टाइप में लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसा मेरा लग रहा है वैसे सेम एज इट इज़ आप लोगों का लगेगा। और बस आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों, आप लोगों को डायरेक्टली इस लिक्विड का यूज़ करना है अपने पौधे में। मैं भी यहाँ पर इस लिक्विड का यूज़ करने जा रही हूँ दोस्तों। आप लोगों को ऐसे पौधों में करना है इस लिक्विड का यूज़ जिसमें धूप पड़ती हो। आप लोगों को ये लिक्विड को इंडोर प्लांट पे बिल्कुल भी नहीं देना है। और हाँ, अगर गर्मी का सीज़न है तो ये कार्य आप लोगों को शाम को करना है। अगर ठंड का टाइम है तो आप लोगों को ये कार्य सुबह को करना है, मीन्स आप 7 बजे कर दो, उसके बाद धूप निकलेगा ठंड के टाइम और 2 दिन में आप लोगों को असर दिखने लगेगा। बहुत जल्दी असर दिखता है हमारा इस लिक्विड से पेड़ पौधों में। अगर आपके पेड़ पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ रही है तो वो एकदम अच्छी हो जाती है, पौधा हमारा एकदम स्वस्थ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सभी पौधों में अच्छी तरीके से फूल आ रही है, कलियाँ बन रही है, बहुत सुंदर लग रहा है और पत्ते बिल्कुल भी पीले नहीं पड़ रहे हैं। यही पौधा नहीं, आप ऊपर भी देख सकते हो, वहाँ मेरा रोज़ का प्लांट है, येलो रोज़ का प्लांट, उधर मेरा वाइट रोज़ का प्लांट है और उधर मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। उधर जैसे कि आप देख सकते हो उसमें भी कली बना हुआ, अच्छी तरीके से आप लोग देख नहीं पा रहे क्योंकि वो ऊपर रखा है और अभी शाम का टाइम होने वाला है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देता है, मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दी किस समय करना है और कौन से पौधों में करना है। इंडोर प्लांट को छोड़कर आप सभी पौधों में ये कार्य को कर सकते हो। फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, सब्जी के पौधे, आप सभी पौधों में कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंडोर प्लांट को छोड़कर। अब बात रहे कि हम लोगों को ये कितने दिन में करना है, हफ्ते में एक बार आप जरूर करना। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस पाए जाते हैं और यही नहीं मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि पौधों को एकदम तंदुरुस्त रखता है। तो ये तो हम लोगों को हो गया दोस्तों पहला वाला कार्य जो कि हम लोगों का लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में होगा। यह आप लोगों को मिट्टी में डालना है अच्छी तरीके से, मैं आप लोगों को डाल के भी दिखाई हूँ, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को रिजल्ट देता है। तो दूसरा कार्य के लिए दोस्तों आप लोगों को दोबारा से लेना है चना और इस चने का आप लोगों को पाउडर बना लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पर बना ली हूँ।
मैं यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर में रखी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो जब पाउडर बनता है तो इस टाइप में हम लोगों का देखने में लगता है। आप लोगों को भी एयर टाइट कंटेनर में रखना है ताकि हवा बिल्कुल भी ना जाए और हमारा ये पाउडर बिल्कुल भी खराब ना हो। ये पाउडर अगर आप अपने घर पर स्टोर करते हो तो रोज सुबह उठकर गर्म दूध में आप एक चम्मच डालकर आप उसका सेवन भी कर सकते हो। हमारे बॉडी के लिए भी चना का पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ये पाउडर को ज़रूर अपने घर पर बनाएं। आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो और पौधे के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। पहले मैं आप लोगों को बता दी कि एयर टाइट कंटेनर में रखना, हवा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर हवा जाता है तो ये हमारा ढीला टाइप में हो जाता है और ये ख़राब होने लगता है, इसलिए आप लोगों को इसे इस टाइप के डब्बे में रखना है ताकि हवा बिल्कुल भी ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पर डब्बे में ही रखी हूँ और आप इसे एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसका पेड़ पौधों में यूज़ करके दिखाती हूँ। यूज़ करने के लिए दोस्तों आप लोगों को अपने पौधों की सबसे पहले कोड़ाई करनी है। कोड़ाई करने के बाद आप लोगों को कम से कम 20 ग्राम 10 ग्राम अपने पॉट के अकॉर्डिंग, अपने पौधे को अकॉर्डिंग उतना ग्राम ले लेना है कोड़ाई करने के बाद, और उसमें आप लोगों को मिला देना है। मिलाने के बाद दोस्तों ऊपर से आप लोगों को उसमें गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप लोगों को डाल देना है, सेटल कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को झरने की मात्रा में आप लोगों को पानी दे देना है पौधों में। सभी पौधों में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंडोर प्लांट को छोड़कर। तो चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता दी कि आप लोगों को ये कब करना है, और ये कार्य भी आप लोगों को अगर गर्मी का टाइम है तो शाम को करना, और अगर ठंड का टाइम है तो आप लोग ये कार्य सुबह को करने हैं। तो चलिए कितने दिन में करना है और किस समय करना है वो भी बता दी, और कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दी। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीज़ बताई हूँ, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।